अयोध्या निर्माण तो राम भक्त सुदीर्घ कलनु प्रधानी नरेंद्र मोदी साकारं चेशारन्नारु होम मिनिस्टर अमित शा बेलगावी सभलो पाल्गोन्न शा कांग्रेस पै तीव्र स्थायिलो विमर्शलु चेशारु रैतुल कोसं बीजेपी निरंतरं पनि चेस्तुंदनि चेप्पारु रैतुलकु केंद्र प्रभुत्वं अनेक प्रयोजनालु चेकूर्चिंदनि तेलिपारु सावर्कर्नु कांग्रेस अवमानिस्ते बीजेपी मराठालनु अभिवृद्धि चेसि गौरविंचिंदन्नारु बजरंग बलिनी कांग्रेस अवमानिंचिंदनि राहुल गांधी हामीलपै प्रजलकु नमकं लेदन्नारु त्रिपुर असोम नागालैंड वंटि రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ కోరంగా ఓడిపోయిందని చెప్పారు అమిత్ షా ఉగ్ర సంస్థలపై వేటు వేసి అనేక మంది పేదలకు ఉచిత రేషన్ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం బీజేపీనే అన్నారు అమిత్ షా మోడీ బతావో భై మహాదాయి కా సవాల్ ఇన్హోనే రిజాల్వ్ కియా థా క్యా జోర్ సే బోలో కియా థా ఔర్ జోర్ సే బోలో కియా థా ఉల్టా సోనియా గాంధీ జీ నే కహా థా 2007 మే గోవా మే महादाई का पानी कर्नाटक को नहीं दिया गया। अरे सोनिया जी, आप भी गई, आपकी सरकार भी गई, मोदी जी आए, समाधान हो गया और महादाई का पानी उत्तरी कर्नाटक को दिया। अरे कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमें सत्ता मिली तो फिर से 4% की जगह 6% मुस्लिम रिजर्वेशन लाएंगे। कहां से लाओगे? किसका काम करोगे? लिंगायतों का काम करोगे? एससी समाज का काम करोगे? एसटी समाज का काम करोगे? पहले स्पष्टता करो। अरे कांग्रेस पार्टी वालों, कान खोल कर सुन लो ना, आपकी सरकार बननी है ना लिंगायतों का रिजर्वेशन कम होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सिद्धरमैया कहते हैं कि लिंगायतों ने भ्रष्टाचार की शुरुआत, सर्व करो सर्व करो, भ्रष्टाचार को किसी की जाति के साथ, संप्रदाय के साथ जोड़ो, किस प्रकार की बातें करते मित्रों। उन्होंने हमेशा लिंगायतों का अपमान करने का काम किया है। इंदिरा जी ने मिलिंदप्पा का अपमान किया और राजीव गांधी ने वीरेंद्र पाटिल, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी उनको अपने पद से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने येदुरप्पा जी और बसवराज जी को मुख्यमंत्री बनाकर हमेशा सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।